हाय फ्रेंड्स, मैं जसबीर अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वन कलर की सॉक्स बनाना बताऊँगी। मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा है कि भई आपने टू कलर में बनाई है सॉक्स अंगूठे वाली, तो आप वन कलर में बनाइए। तो जो मैंने टू कलर की बनाई थी सॉक्स, जो मैंने टू कलर की बनाई थी सॉक्स दिखाती हूँ। जो मैंने टू कलर की बनाई थी उसमें मैंने 50 स्टिचेस डाले थे। 50 50 स्टिचेस डाले थे, वो टू कलर की थी और वो 28 लेसन है जिसमें मैंने डाली थी। तो आप जसबीर क्रिएशन में जाकर देख सकते हैं। ये तो मैंने टू कलर की बनाई थी, आज मैंने वन कलर की बनानी है। तो उसके लिए मैंने कितने फंदे डाले हैं मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा लेसन 28 है। आज मैंने वन कलर की बनानी है, तो इसके लिए मैंने 55 स्टिचेस डालने हैं। फिफ्टी फाइव स्टिचेस डालने हैं और ये मेरा लेसन देखती हूँ मैं कितने का कौन सा बनता है। शायद 23 बने, 43 बनेगा, तो वो मैं लेसन पे लिख दूँगी। तो इसके लिए मैंने 55 स्टिचेस डालने हैं, वन कलर की है। तो इसके लिए मैंने 55 फंदे डाल लिए हैं। जे मैंने 55 फंदे डाले हैं, इसकी 4 लाइंस बनानी है, 1 2 3 एक और बनानी है। तो इसके लिए मैंने 55 स्टिचेस की जे मैंने सॉक्स बनाई हुई है। मैं जही वाला डिज़ाइन बताऊंगी आपको। जे 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4। 4 लाइनों के बाद जब मैंने बंद किया है तो इसमें मैंने 2 4 6 और 8 8 जो सिलाइयाँ हैं, मतलब 16 सिलाइयाँ बना के फिर मैंने बंद किया है। ये मैंने बंद किया है और इसमें मैंने इसके बाद ही फंदे बढ़ाए हैं, फिर उसके बाद और बढ़ाए हैं फंदे। जो जाली डाली है वो उससे फंदे बढ़ जाते हैं। और ये मैंने जो डिज़ाइन डाला है, 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे ऐसे मैंने ये थोड़ा सा बीच में डिज़ाइन डाल दिया है। तो इसके लिए ये अंगूठा भी बनेगा और ये उंगलियों का पोर्शन आ जाएगा, इधर अंगूठे का पोर्शन आएगा, ऐसे आ जाएगा अंगूठा और उंगलियां ऐसे। तो इसके लिए जो ये फंदे हैं मैंने डाले हुए हैं, तो मैंने ये फंदे 55 डाले हैं और मैंने सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाई हैं। जैसे मैंने फंदा सीधा उतार लिया और उल्टा बुनना है, ऐसे उल्टा ऐसे ही बुनना है, ऐसे ही उल्टा इस साइड से भी बुनना है। तो हमने 4 लाइनें बनानी है, 1 2 3 और 4 4 लाइनें बनाकर उसके बाद हमने ये डिज़ाइन स्टार्ट करना है, ये वाला डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो हम आपको पहले 4 लाइनें बनाकर बताते हैं, फिर आपको बताएंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ उल्टा उल्टा बुन लिया है, ये 4 लाइनें हैं, इधर भी उल्टा उल्टा बुना है। अब हम डिज़ाइन डालेंगे, जे वाली जाली डालेंगे।
तो हम सीधा बुनेंगे, हम सीधे 16 फंदे बुनेंगे, सीधे 16 फंदे बुनेंगे ऐसे। तो 16 फंदे बुनकर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने 16 फंदे बुन लिए हैं, दो दो चार छः आठ दस बारह चौदह और सोलह। 16 फंदे डालने के बाद हम इसमें ये लगा लेंगे और हम बुनेंगे, हम इसमें जाली डालेंगे हर फंदे पे जाली डालेंगे ऐसे हर फंदे पे। जब हमारे इधर भी 16 फंदे रह जाएंगे वहाँ तक जाली डालेंगे, दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह, जहाँ तक हम जाली डालेंगे, जहाँ तक। जहाँ तक हम हर फंदे पे जाली डाल लेंगे ऐसे, तो फंदे बढ़ जाएंगे। जहाँ तक, और इसको इस पे ले आएंगे। अब इस फंदे को हम सिंपल ही बुन देंगे, जाली डाल की। अब 16 फंदे, ये देखिए, दो चार छः आठ दस बारह चौदह और सोलह, इतने इधर है। अब हम सारी सीधी सिलाई बुनने के बाद उल्टी सिलाई प्लेन बुनेंगे, उल्टी, उसके बाद डिज़ाइन डालेंगे। अभी हमने डिज़ाइन नहीं डालना है, इतना बुना है दो सिलाइयाँ, फिर डिज़ाइन डालना है, तो हम बाद में डिज़ाइन डालेंगे। हम आपको बुनकर दिखाते हैं। ये देखिए हम राइट साइड में आ गए हैं, ये हमने फंदे सारे बुन लिए हैं। अब हम डिज़ाइन डालेंगे ऐसे वाला डिज़ाइन डालें, दो उल्टे सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, पूरी सिलाई में ऐसे वाला ही डिज़ाइन डालेंगे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे। इस पे भी हम साथ के साथ ही डिज़ाइन डालेंगे, दो उल्टे हैं तो दो सीधे, पूरी सिलाई में डालने हैं, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, ऐसे ही पूरी सिलाई में डालने हैं। और जब उल्टी सिलाई डालनी है हम आपको बताते हैं। ये देखिए अब रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड में हमने जो जैसे दिखते हैं वैसे बुनने हैं, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। जैसे ये दिख रहे हैं दो सीधे, तो दो सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे, और सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे। ये पूरी सिलाई ऐसे बुननी है। फिर राइट साइड पे आके हम आपको बताएंगे। ये जो हमने टू कलर की बुनी थी सॉक्स,
टू कलर की सॉक्स बुनी थी, वो उसमें 50 स्टिचेस थे, वो थी पांच नंबर की, जिनको पांच नंबर आता है जुत्ती का, उनके लिए थी। ये जो हम बुन रहे हैं ये वाले 55 फंदे डालकर, ये आएगी 6 और 7 नंबर वालों को, 6 और 7 ये वन कलर की सॉक्स है ठीक है, ऐसे ये आएगी 6 और 7 नंबर वालों को। और हम इसको 10 नंबर पे बना रहे हैं, 10 नंबर की सिलाई लेनी है आपने, इस पे बनानी है। तो हम ऐसे ही जो दिखते हैं वही बनाएंगे और राइट सिलाई में आगे आपको बताते हैं। ये देखिए अब हम राइट साइड में हैं, अब हम क्या करेंगे, इन पे उल्टे बनाएंगे, दो पे सीधे, दो पे उल्टे। तो एक फंदा मैं पहले उतारती हूँ, तो सीधा उतारा और एक उल्टा बुना, दो। अब इस पे सीधे बुनने हैं, सीधा, इस पे भी सीधा, दो सीधे, फिर दो उल्टे सीधे पे, ऐसे, फिर दो सीधे, फिर उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे, ऐसे ही हमने पूरी सिलाई डालनी है, फिर उल्टी सिलाई डालनी है, जैसे दिखते हैं अब फिर वैसे। दो दो सिलाई का डिज़ाइन है तो ऐसे ही बनाना है। ऐसे बनाकर आपने 1, 2, 3 और 4 लाइनें बनानी है, 1, 2, 3 और 4। हम 4 लाइनें बनाकर फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने डिज़ाइन डाल लिया है, ये 4 लाइनें बना ली हैं, 1, 2, 3 और 4। अब हमने सीधी सिलाई बुननी है, जैसे इसमें बुनी है ये वाली, 1, 2, 4 हमने ये डिब्बियाँ डाली हैं, इसके बाद सीधी बुनेंगे और जहाँ पर आकर फंदे फिर बढ़ाने हैं तो हम जाली डालेंगे। अब हम 20 फंदे बुनेंगे, पहले हमने 16 फंदे बुने थे, अब हम 20 फंदे बुनेंगे। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 20 फंदे बुनने के बाद हम ये टैग लगा देंगे, जहाँ से हम फिर हर फंदे को, एक फंदा बुनने के बाद हर फंदे को बढ़ाएंगे, जैसे पहले जाली डाली थी हर फंदे पे जाली डाल दी, ऐसे हर फंदे पे जाली डालेंगे। 20 फंदे छोड़ के, 20 फंदे छोड़ के जहाँ तक जाली डालेंगे। तो हम आपको 20 फंदों तक जाली बनाकर दिखाते हैं ऐसे। ये देखिए ये लास्ट में 20 फंदे हैं, जहाँ हमने फिर जाली नहीं डालनी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 20 फंदों में हमने जाली 20 तक ही डालनी थी। 20 फंदे इधर हैं, फिर आगे के जाली डाली है हमने, फिर हमने सिंपल 20 फंदे बुनने हैं ऐसे, सिंपल सीधे 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 ही, पूरी सिलाई सीधी, पूरी सिलाई सीधी बुननी है, फिर उल्टी सिलाई पूरी ही उल्टी बुननी है, रॉन्ग साइड से भी उल्टी बुननी है। तो फिर हम आपको दिखाते हैं, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हमने हाफ तक बुननी है, हाफ, तो हम आपको हाफ तक बुन के दिखाते हैं। अब हमने हाफ तक फंदे बुनने हैं, 20 फंदे तो इधर है, 20 फंदे
20 फंदे इधर हैं, 43 फंदे जे हैं और 43 फंदे जे हैं, और जे ऐसे हाफ होएंगे, जे हाफ है। अब हमने हाफ ही बुनना है, जहाँ तक ही बुनना है, उल्टी सिलाई आए हैं, ऐसे उल्टी सिलाई बुनी है, तो हम जहाँ तक बुनेंगे, जहीं से हम वापस जाएंगे, वैसे जहीं से हम वापस जाएंगे इस फंदे को, ये बुना हुआ फंदा है, ऐसे जहाँ से हम वापस जाएंगे, लेकिन दो फंदे कम करेंगे और सीधा बुनेंगे, दो फंदे कम करेंगे, दो नहीं, इधर को नहीं जाएंगे हम, जहाँ तक बुना है तो हम, हाँ ठीक है ठीक है, जहाँ तक हमने बुना है तो हम जहीं से वापस चले जाएंगे, दो का एक करेंगे ऐसे, और एक सिलाई और डालेंगे हम, क्या करेंगे, उल्टी सिलाई डालेंगे ऐसे, पूरा उल्टा ऐसे। ये कौन सा भाग है हम आपको दिखाते हैं, ये हाफ किए हैं, हाफ से इधर को ही बुनेंगे, ये हमारा ये वाला भाग होगा, ये वाला बुनेंगे ऐसे, दो का एक किया है, अब हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे ऐसे, पूरी उल्टी बुनेंगे, तो हम आपको बुनकर दिखाते हैं जहीं से हम वापस चले गए हैं। ये हमने उल्टी सिलाई बुनी है और रॉन्ग साइड भी हमने उल्टी ही बुननी है ऐसे, और यहाँ तक ही बुननी है, हाफ हाफ हमारा जहाँ है यहाँ तक बुननी है, ये देखिए हमने जहाँ तक ही बुनना था, अब हम फिर उधर ही चले जाएंगे उसी साइड और उल्टा बुनेंगे ऐसे, ऐसे पूरी सिलाई उल्टी। जे हम बनाएंगे आठ लाइनें, जे हम आठ लाइनें बनाएंगे इसके बाद, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, जहाँ तक आठ लाइनें बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये एड़ी की साइड है, जहाँ हम सिलाई करेंगे तो एड़ी आएगी ऐसी, तो हम जहाँ पे हर बार आठ सिलाइयों तक हर सीधी सिलाई पे दो का एक करेंगे, दो का एक फिर एक बुनेंगे, हर इस सिलाई पर जो राइट साइड में आती है उस पे दो का एक करेंगे, तो जो रॉन्ग साइड है वो हम ऐसे ही बुन लेंगे, तो जहाँ से शेप आनी शुरू हो जाए एड़ी की ऐसे, तो आठ सिलाइयाँ हम 16 सिलाइयाँ बुनेंगे हाफ तक, ये हाफ है जहाँ तक हम 16 सिलाइयाँ बुनेंगे। ये देखिए हमने ये लाइनें बना ली हैं, ये सीधी साइड है, राइट साइड है, ये एड़ी की शेप भी आ गई है, हमने हर सीधी सिलाई पे दो का एंड में एक किया था, तो ये एड़ी की शेप बन गई है। अब हम ऐसे सिलाई बुनी है जो इधर उल्टा आता है, जैसे इधर सीधा आ रहा है
उल्टा आना चाहिए। तो हमारी 8 लाइनें बन गई हैं, 2, 4, 6 और 8। अब इसको हम किसी और सिलाई पे उतार लेंगे, दूसरी सिलाई पे, क्योंकि हमने अब जहाँ से स्टार्ट करना है तो हम इसको किसी और सिलाई पे उतार लेंगे ऐसे, क्योंकि जब हमने इनको बंद करना है, सिलाई करनी है, तो दो सिलाइयों से सिलाई करनी है, तो उसके लिए ये उल्टी लाइन आना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम छोड़ देंगे, अब इसको बुनेंगे। इसको छोड़ दिया, इसको बुनना है। तो इसके लिए हम जहाँ से इसको जोड़ देंगे, थोड़ा थ्रेड छोड़कर, ऐसे छोड़कर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से इसको उतार देंगे। इस साइड से 8 लाइनें बनानी है, तो हम ऐसे बुनेंगे, उल्टा उल्टा बुनेंगे। एक बार 2 का 1 कर लेंगे, एक बार 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। तो अब हम उल्टा उल्टा इसको बुन देंगे, क्योंकि हमने 8 सिलाइयाँ बनानी है। पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। एंड में जाके हम एड़ी बनाने के लिए 2 का 1 करेंगे, इस 2 का 1 करेंगे, जैसे इधर किया है ऐसे करेंगे, तो ये ऐसे शेप बनेगी। तो इधर भी हमने ऐसे ही बुनना है, तो हम बुनते हैं। ये हम उल्टा ही उल्टी सिलाई बुनेंगे, राइट साइड से भी उल्टी, रॉन्ग साइड से भी उल्टी। और जहाँ से हम एक एक फद्दा घटाएंगे एड़ी के लिए, ये देखिए, ये हमने जो बुना है ऐसे ही हमने इधर भी 8 सिलाइयाँ बुननी है। जैसे ये सिलाइयाँ बुनी है 8, ऐसे ही हमने 8 सिलाइयाँ जहाँ, मतलब 16 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो हम बुन के इतना आपको दिखाते हैं, फिर हम कैसे जोड़ते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बनकर ऐसी लगती है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बनकर ऐसे बनेंगे। ये हमने जहाँ से बढ़ाए थे फंदे जाली डालकर, 16 फंदे रखे थे स्टार्टिंग में, 16 फंदे रखे थे, फिर जाली डाली थी, फिर हमने 20 फंदे बुने थे, फिर हर फंदे पे जाली डालकर हमने बना लिया, फिर हमने 8 सिलाइयाँ इधर बनाई हैं, 8 ही सिलाइयाँ हमने, 8 ही इधर बनाई, 2, 4, 6, 8। तो अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। अब ये देखिए, जुड़ने के बाद ये हमने एड़ी की शेप दी है, और जहाँ से हम सिलाई करेंगे वो हम आपको बताएंगे, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए ये देखिए, हमने लास्ट वाली सिलाई ऐसी बुनी है जो उल्टी दिखे, लाइन दिखे। इधर भी हमने ऐसी ही बनाई है कि उल्टी दिखे, तभी हम दोनों को जोड़ेंगे ऐसे ऐसे जोड़ेंगे। अब ये जो है सिलाई का थ्रेड इधर है, तो हम इन फंदों को भी इसी तरफ सिलाई डाल देंगे। जैसे ये सिलाई निकाल देंगे हम, ये सिलाई निकाल कर हम इधर से डाल लेंगे ऐसे। अगर आपसे ऐसे नहीं डालती, फंदे गिर जाते हैं, तो आप एक एक फंदा करके डाल लीजिए, दूसरी सिलाई से की हेल्प से
डाल लीजिए। वैसे अगर आप आसानी से निकाल लेंगे ऐसे पकड़ के जोड़ के, तो आसानी से ही ये फंदे निकल आते हैं और दूसरी सिलाई में आ जाते हैं। अगर हाँ, ये देखिए ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। पहले हम इनको जोड़ेंगे आपस में सिलाइयों की मदद से। जब जोड़ेंगे तो जुड़ने के बाद ऐसे ऐसे नहीं दिखेगी। मैंने एक सिलाई कम डाली थी जहाँ उल्टी आनी चाहिए थी, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसी नहीं आएगी, ऐसे आएगी। जब ये बनेगी हम आपको दिखाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो एक फंदा इधर का लेंगे, इस सिलाई का एक फंदा इधर का लेंगे, तो हम इनको जोड़ देंगे ऐसे। दो का एक किया, फिर दो का एक किया ऐसे। जब हम दो का एक कर लेंगे, उधर भी और इस फंदे को इस फंदे के ऊपर से टपा देंगे। फिर हम दो का एक करेंगे, फिर इस सिलाई की हेल्प से ऊपर से टपा देंगे। फिर हम इधर का फंदा लेंगे, इधर का भी ले लेंगे, दोनों को बुनेंगे। और जब इनको घटाना है, ऐसे ऊपर से टपाना है, तो ना टाइट नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा लूज ही रखना है। ऐसे टाइट नहीं करना फंदे को, टाइट करेंगे तो फिर वहाँ पैर में टाइट लाइन आएगी जो अच्छी नहीं लगती। ऐसे ऐसा आना चाहिए, ऐसे ऐसे लूज आना चाहिए। तो हम इसको लूज लूज बंद कर देंगे ऐसे, पूरी सिलाई बंद करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने बंद कर दिया है, उल्टी साइड से ऐसे दिखेगी। और राइट जो इधर सीधी साइड है, राइट साइड है, वहाँ ऐसे दिखेगी। ये हमारे से थोड़ा सा फंदा कोई लूज रह गया है, इसको टाइट करेंगे। ये देखिए सीधी साइड, ऐसे दिखने से ना पता नहीं चलता कि हमने कोई सिलाई की है, ऐसे लगता है जैसे ये पूरा ही बना हो। तो अब हम जो ये फंदे हमने छोड़े थे, इसको जे वाली साइड और जहाँ से स्टिच किया है वो वाली साइड ऐसे हम सिलाई करते हैं। इसकी हम सिलाई करेंगे, वो आपको बताते हैं। पहले हम इसकी सिलाई कर लें, मैंने सुई में थ्रेड डाल लिया है। तो पहले हम इसको सिलेंगे, एड़ी की साइड थ्रेड डालती हूँ अभी, इसी साइड सिलेंगे। ये हमारी एड़ी की शेप है, ये देखिए ऐसे आएगी, किश्ती टाइप बन के आती है। जब हम पहनते हैं तो शेप बड़ी सुंदर आती है। तो हम सिलाई करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए हम सिलाई करेंगे। हम सीधी सीधी साइड से ही सिलाई कर रहे हैं। ये फली को पकड़ के सिलाई करेंगे, दूसरी फली को पकड़ के ऐसे, फिर दूसरी को ऐसे। ऐसे लाइनें आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद हम फिर ऐसे ही करेंगे पूरी, हम सिलाई करके आपको दिखाते हैं। सीधी तरफ से सिलने के बाद हम नीचे आ गए हैं, उल्टी साइड, ये रॉन्ग साइड है।
फिर हम जो ये दिखते हैं फंदे इनको दबा देंगे, जैसे ये दिखते हैं तो इनको दबा देते हैं, जहाँ भी दिख रहा है जहाँ भी दबा देंगे। तो डबल सिलाई हो जाती है। ऐसे जैसे स्टिचिंग हो जाए। अब हम आगे वाले पीस को सिलेंगे, वो हम आपको बताते हैं। जहाँ हम थ्रेड लगा लेंगे रॉन्ग साइड में चले जाएंगे, उल्टी साइड में, ये जहाँ से हमने किया था बंद वहाँ और वहाँ बीच में से ऐसे था ना, इसको पकड़ के ऐसे कर देंगे, इसको जहाँ पे सिलेंगे हम ऐसे, फिर हम इस पीस को लेंगे ऐसे, फिर दूसरे पीस को, फिर इस पीस को, फिर दूसरे इस चेन को, इकट्ठा नहीं करना है जहाँ पे, आराम से सिलना है, हर चेन को अलग अलग सिलना है। सिलने के बाद फिर हम आगे आ जाएंगे, फिर इस साइड से लेंगे, इस पीस को लेंगे, फिर दूसरे पीस को, इस पीस को, दूसरे पीस को, ऐसे जैसे स्टिचिंग आएगी, बस जहाँ पे हम पक्का कर देंगे। ये देखिए ऐसे ये आ जाएगी, ऐसे दिखेगी। ये एड़ी की जो शेप दी थी हमने, ये दी थी एड़ी की शेप, ये आ जाएगी, ये ऐसे बन के आराम से आ जाती है
छः और सात नंबर वालों को आराम से आएगी। तो आप भी ऐसे बनाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसी शेप आएगी इसकी, लाइट सा कट पड़ता है। जे उंगलियों की शेप आ जाती है, अंगूठे की शेप आएगी, जे उंगलियों की। और अगर आप दूसरी तरफ डालेंगे तो इधर अंगूठा आएगा, इधर उंगलियां। ऐसे दोनों एक जैसी बनती हैं। मैं आपको अंगूठे वाली भी अलग से बनाकर दिखाऊंगी, जे शेप आएगी, जे हमारी सिलाई आएगी। जी देखिए, तो आप भी ऐसे ही बनाइए। दूसरी भी रेडी है बनकर, वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो मैंने पहले बनाई थी, ये देखिए ये दोनों बनकर रेडी हो गई हैं। ये देखिए वो मैंने जी देखिए ऐसे बनकर रेडी हैं। तो ये अब कैसे दिखेंगी, तो आप ऐसे बनाइए, क्योंकि मेरे एक व्यूअर्स ने पूछा था मेरे से, कि मुझे कमेंट्स करके लिखा था मुझे कि आप सिंगल कलर में बनाइए, तो इसलिए मैंने ये सिंगल कलर में बनाई है, जो कि आसानी से आपको सारी समझ आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो आप इसको बनाइए अपनों के लिए, तो बहुत अच्छी लगेंगी। थैंक यू।